हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मूथ गाइडेंस में। ये मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है। इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था, वो कुछ रीजंस की वजह से मैंने बंद कर दिया। तो अगर आप लोग भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको जीके की ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आने वाले हमारे पास जो 2 से 2.5 महीने रह गए हैं उसमें आप किस तरह से टाइम को यूटिलाइज करके अपनी तैयारी करें। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम जो रहती है कि उन्हें जीके याद नहीं होती, वो पढ़ते तो बहुत हैं बट उन्हें याद नहीं रहते, उनको फैक्ट्स याद नहीं रहते, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जीके को पढ़ें कि आपको फैक्ट्स भी याद रहें और आप लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख पाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज जो है वो वेटेज कितनी है एग्जाम में, मतलब कौन से सब्जेक्ट से सब कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करें और हमें कितना टाइम देना है। तो ये मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दे दिया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने लिख के भी रखा है, कुछ स्किप ना हो जाए मुझसे, इसलिए तो डिस्कस करते हैं। स्टैटिक जीके से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद करंट से पूछे जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी से 5 से 6 पूछे जाते हैं। आपके पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस से भी 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मिसलेनियस से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम में वेटेज है, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करनी है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमें ये पढ़ना कैसे है। तो अब जैसे जैसे हमारे पास सिर्फ 2 से 2.5 महीने हैं तो आपको कम से कम जीके को 3 से 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊँ, कम से कम आपको 4 घंटे जीके को देने ही चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से आपको डिवीजन बताती हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आपको करना क्या है, आपको डेली 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। जैसे 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना है। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री के साथ स्ट्रैटिक जीके ले लिया, पॉलिटी के साथ साइंस ले लिया, कोई भी आप अपने हिसाब से 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट करना है और 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट करना है। अब जैसे आप हिस्ट्री कर रहे हैं, आप 1.5 घंटा आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले हिस्ट्री का कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक अगर कर रहे हैं, आप मान लो एंशियंट हिस्ट्री का कोई टॉपिक कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप वो कर रहे हैं, आप उसको खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, उसी 1.5 घंटे में आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अभी तक पूछे गए हैं, मैं आपको बुक बताती हूँ, आप वहां से आप कर लेना। उसके बाद दूसरे 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि आपने स्टैटिक जीके ले लिया, आपको वो करना है। उसके बाद भी स्टैटिक जीके करने के बाद आप उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। आप स्टैटिक जीके तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब मैं आपको बुक बताती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कहाँ से कर सकते हैं। 2 बुक्स हैं बहुत ही अच्छी हैं आप, एक पिनेकल की बुक है आप वो ले सकते हैं, मैं पिनेकल आपको रिकमेंड करूंगी क्योंकि पर्सनली मैं वो यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छे से उसको दिया जाता है। और आप किरण पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, आपके पास इन दोनों में से जो भी बुक है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आपको डेली ही करना है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन छोड़ना है दूसरे 2 दिन छोड़ना है, करंट अफेयर्स आपको डेली करना है। आपका एक चैनल है नेक्स्ट एग्जाम करके, वो बहुत ही प्रिसाइज वे में बहुत ही कम टाइम में आपका 15 से 20 मिनट में आपकी जो है डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाते हैं। आपको एक डेली करंट अफेयर्स करने के बाद वीक में एक बार मंथली करंट अफेयर्स जरूर करने हैं, जिससे कि आपने जो पिछला पढ़ा है करंट अफेयर्स में वो आपको रिवाइज होता चला जाए। करंट अफेयर्स करने के बाद और जो हमारे 2 टॉपिक्स हैं वो करने के बाद जो टाइम बच जाएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्विजेज करने हैं। टेस्ट बुक पर डेली क्विजेज होते हैं, आप वो देख सकते हैं, सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपकी रिवीजन होती जाएगी। और आप कभी कभी क्या कर सकते हैं कि आप क्विज को गेम की तरह ले सकते हैं, जैसे कि आप खाली बैठे हैं, कभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप उस टाइम में भी क्विज कर सकते हैं, मॉक कर सकते हैं जीके के, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, आपको बैठे बैठे सिर्फ टिक करना है, क्योंकि उसमें आपको किसी भी पेपर पेन की जरूरत नहीं होती है। कभी भी आप बोर फील कर रहे हैं, आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्विजेज कीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा, जीके के जो आप फैक्ट्स आप याद नहीं रख पाते हैं वो आप याद रखना शुरू हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कितने टाइम में पढ़ना है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, फैक्ट्स कैसे याद करें, जीके याद नहीं होती, ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं और क्विजेज करनी है। क्विजेज को आप गेम्स की तरह लेना, पढ़ाई की तरह मत लेना, आप एंजॉय करते हो उसको सॉल्व करना, आपकी मेमोरी में आप चीजें लंबे टाइम तक रहेंगी।
सेकंड आपको क्या करना है, आपका कोई भी टॉपिक है, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसका कोई भी टॉपिक में से आपको जो भी चीज़ याद नहीं हो रही है उसे लिखना शुरू कर दो। जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं और उसका जो टॉपिक है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको INC सेशंस जो हैं वो याद नहीं होते कि कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको क्या करना है, वो एक पेपर लेना है, ऊपर INC सेशन का हेडिंग डाल के आप सारे सेशंस लिख लो, ठीक है, उसमें कब हुआ, कहाँ हुआ और साथ ही साथ उसके प्रेसिडेंट कौन थे वहाँ पे उस सेशन में, आपको वो सब लिख लेने हैं। और आप जहाँ स्टडी करते हैं ना वहाँ पे सामने उसको चिपका लेना है, और डेली आप जब बैठोगे तो आपकी नज़र कहीं ना कहीं उस पर पड़ेगी, तो आप डेली उसको एक बार देखो। आप जितने भी जो नोट्स बनाओगे ना ऐसे ही करके, जो चीज़ आपको याद नहीं होती, आप कोशिश करो जब पढ़ने बैठो तो उससे पहले आप ना वो सब रिवाइज कर लो, एक बार नज़र मार लो उन सब चीज़ों पर जो भी आपने वहाँ पर दीवार पर लगाया है। डेली डेली जब आप उसको गो थ्रू होगे ना उस चीज़ से, तो आपको वो चीज़ें याद होना अपने आप शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आप डेली ये चीज़ें फॉलो करते हैं, अगर आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद आपको अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, आपको रियलाइज़ होगा कि अब आपको चीज़ें याद होना स्टार्ट हो गई हैं, जो फैक्ट्स आप भूल जाते थे अब आपको वो चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो गई हैं, आप ये चीज़ खुद रियलाइज़ करेंगे। तो आई होप आप मेरी जो गाइडेंस है आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर हाँ तो आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।